हेलो गाइस, तो कैसे हैं सब लोग। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले गाइस वाइट टेबल फोर के बारे में। मतलब आप में से काफ़ी सारे बंदे, मतलब मैक्सिमम प्लेयर तो जानते ही होंगे वाइट फोर फोर को। मतलब क्या ही गॉड लेवल गेम प्ले है गाइस। मतलब लिटरली बताऊं तो मतलब अनडिफीटेड लेजेंड, अनडिफीटेड क्लैश स्क्वाड लेजेंड। मतलब काफ़ी सारे टैग लग चुके हैं इसके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा टैग, मतलब कोई हरा ही नहीं सकता इसको, समझ लो ऐसा है। क्योंकि मतलब इतना गंदा मारता है, क्या ही बताऊं गाइस। तो आपको आज इनका सच्चाई लाऊंगा गाइस। एक्चुअली मैं बताऊं तो मैं भी जो है इनका फ़ैन ही था। मतलब लिटरली बताऊं तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता था इसका गेम प्ले। बट एक दिन क्या हुआ, मतलब ये जो है इंडिया सर्वर पर खेलने आया था एंड मैं ऑब्जर्व पे था, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ भाई बंदे, मतलब बंदे दिखे चाहे ना दिखे भाई, ये ओनली रेड नंबर भाई, जो भी गन ले रहा है ओनली रेड नंबर। और ये रहा वाइट 444, देख सकते हो। आई होप आप लोग जानते होंगे इसको। तो इसका सच्चाई आप लोगों के सामने लाऊंगा एंड इसने क्या किया है रिसेंटली मैं बताऊंगा गाइज, ओके। मतलब देख सकते हो गाइज, ये इसी का गेम प्ले है। मतलब क्या ही गॉड लेवल गेम प्ले, एकदम मतलब लेजेंड जैसा। मतलब बंदा दिखे चाहे ना दिखे, ये बस चला देता है गोली एंड सीधा हेड पे लग जाता है भाई। मतलब ऐसा लगता है कोई एम बॉट या फिर कोई स्क्रिप्ट वगैरह लगा के खेलता हो, समझ रहे हो गाइज। देख सकते हो मतलब क्या ही गॉड लेवल गेम प्ले है एंड आप लोगों को भी पसंद आता है। मतलब लिटरली बताऊँ तो इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 बंदे, मतलब 50 वीडियोज़ डाला है एंड इतना ज़्यादा सपोर्ट कर लेते हो ना आप लोग। जब इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर जब बोलते हैं कि भाई रेड नंबर्स नहीं मार सकते ऐसे कोई, मतलब आप लोगों को तो यकीन ही नहीं होता, फिर भी आप लोग उसी को सपोर्ट करते हो भाई। बट जब सच्चाई आपके सामने आएंगे तब तो मानना पड़ेगा गाइस, है ना। जैसे देखो भाई, बंदे दिखे चाहे ना दिखे, मतलब क्या ही हेड मार रहा है, मतलब हैकर जैसा भाई। मतलब हैकर भी इसके सामने डिफीट हो जाएगा क्योंकि ये खुद ही हैकर है, तो क्यों नहीं डिफीट होगा भाई, जरूर डिफीट हो जाएगा, क्यों नहीं डिफीट होगा भाई। देख सकते हो भाई, बॉडी शॉट मिलता ही नहीं है, ओनली रेड नंबर। एंड इनके कमेंट पे देखो भाई, बहुत सारे बंदे ने क्या कमेंट किया है, क्योंकि इसने जो कांड किया है भाई, बहुत ही गंदा सीन है भाई। मतलब क्या ही बताऊँ गाइस, लिटरली मतलब मिलियंस लोगों की भाई इसने दिल दुखाया भाई, क्या बताऊँ भाई। मैं भी इसका फ़ैन था, मतलब बहुत बड़ा फ़ैन था। बट जिस दिन से उस मतलब ऑब्जर्व पे था मैं, तो जिस दिन से मैं ऑब्जर्व पे था उसी दिन से मेरे को थोड़ा थोड़ा करके शक होने लगा था कि भाई ये कैसे मार रहा है इतना। मतलब ओनली रेड नंबर्स भाई, अपने इंडिया वाले लेजेंड्स थे भाई, बिलास भाई थे, सनीचर थे, और भी बहुत सारे बंदे थे, मतलब मन टिपल नाइन थे या फिर स्मूथ टिपल फोर थे, वो सब लोग थे। ये बहुत सारे बंदे का इंस्पिरेशन है बट हैक करके। तो देखो गाइस, उस दिन से मेरे को शक था इस बंदे पे कि भाई ये बंदा कैसे करते हैं। मतलब मैंने बहुत सारी जानकारी ली बट कहीं पे भी कोई जानकारी उतना अच्छे से नहीं मिला। बस एक ही जानकारी मेरे को मिला था कि इसका जो रियल आईडी था वो बैन हो चुका है सर्वर पे। जब मतलब बहुत सारे बंदे ने इसको बोला था कि हैकर है, ये गेम छोड़ के चला गया था, उसी टाइम पे इसका आईडी बैन हो गया था भाई, समझ रहे हो। एंड ये देखो गाइस, रिसेंटली ये जो है लाइव कर रहा था। मतलब आप लोगों को तो पता है जो फॉरेन वाले होते हैं वो लोग लाइव करते हैं, तो उस टाइम पे इसका जो बैकग्राउंड स्क्रिप्ट चल रहा था वो चल गया, मतलब रिकॉर्ड हो गया गाइस लाइव पे, मतलब स्क्रिप्ट चल गया। देख सकते हो यहाँ पे गेम गार्डियन है शायद, आई थिंक उतना क्वालिटी अच्छा नहीं है। बट इस क्लिप को देखो आप लोग, यहाँ पे देखो एग्जिट बटन है, मतलब समझ रहे हो गाइस, लाइक मतलब तरह तरह के हैक होता ना, तो उसी तरह का ये स्क्रिप्ट चला रहा था बैकग्राउंड पे, देख सकते हो मतलब लाइव पे। एंड भगवान के दया से मतलब बंदे का जो है गेम क्रैश हो गया, किसी हालत से बंदे का गेम क्रैश हो गया एंड जो बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट चल रहा था वो स्क्रिप्ट दिख गया गाइस। तो इस बंदे मतलब कुछ बंदे ने इस क्लिप को वायरल कर दिया, मतलब जहाँ पे ये नोनो या निमो कहीं पे तो लाइव करता है उधर से वायरल कर दिया। अभी तो रखेगा नहीं ये, क्योंकि मतलब डिलीट कर देगा ना भाई, खुद का सच्चाई जब सामने आ रहा हो तब तो डिलीट करना ही पड़ेगा भाई। मतलब बहुत सारे बंदे का दिल इसने दुखाया भाई एंड फाइनली जो है इसका सच्चाई सामने आ गया भाई। ऐसा कोई हेड मार ही नहीं सकता, मतलब ना एम ना कुछ भाई, ये बस गोली चला देता भाई ऑटोमेटिक हेड्स। और भाई क्यों डिफीट करेगा भाई, कोई कैसे डिफीट कर सकता भाई। देखो यहाँ पे 050607 से जीत रहा है भाई, हैकर नहीं है तो क्या है। एंड सबसे मेन चीज़ ये जो मतलब इसके पास बनी वाला बंडल है, देख रहे हो गाइस जो बनी वाला बंडल है इसके पास, ये बंडल कहाँ से मिल रहा था बताओ, रेड एंजेलिक पेंट किधर से मिल रहा था। मतलब ये क्या करता है गाइस, फाइल को मतलब चेंज करता है, ठीक है, गरीना का जो फाइल होता है उसको चेंज करता है। एंड वो चेंज वो अपना मेन आईडी पे नहीं करता, वो अपना मतलब जो नूब वाला आईडी होता है उधर से चेंज कर लेता है एंड बंडल को चेंज कर लेता है, ठीक है, जो बंडल चाहिए उसको वो बंडल लगा लेता है उधर, गन स्किन भी डाल देता है, समझ रहे हो, गन स्किन भी डाला जा सकता है फाइल के मदद से, तो वो गन स्किन भी डाल देता है एंड वो आईडी बैन हो जाता है, इसका मेन आईडी को कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। ये बनी बंडल आता किधर से बताओ,
कहीं पे भी मिला है ये बर्डी वर्ल्ड डील भाई, फिर भी आपको दिखना है इसका गेम प्ले, क्या बताओ भाई, मतलब रेड नंबर्स देखना है आप लोगों को। इंडिया वाले को तो पसंद ही नहीं आता क्योंकि बॉडी शॉट मारता है, नो मूवमेंट्स भाई, ये हैक करके खेलेगा, सही है। एचएस के स्क्वाड में, एचएस के मेन स्क्वाड में नोबुडू और भी बहुत सारे बंदे जो है हैक करके खेल रहे थे, फिर भी आप लोग उसको सपोर्ट करोगे भाई, मतलब रेड नंबर्स दिखना है ना। ओवर पावर के मेन स्क्वाड में हैक करके खेल रहे थे, पकड़ा गया, तब उसको जब पकड़ा जाता है तब उसको किक किया जाता है। अब ये पकड़ा गया है, अब देखते हैं ये क्या बहाना मारता है, मतलब पकड़ा तो गया है भाई ये, मतलब बहुत गंदा वायरल हो रहा है इसका स्क्रिप्ट भाई, सबका सामने आ गया भाई। एंड इसका कमेंट अगर आप अभी रिसेंटली चेक करोगे ना तो सब लोग बस एक ही बात बोलेंगे, भाई हैक करके खेल रहे हो भाई, सबका दिल दुखाया तुमने भाई, मतलब बहुत बुरा किया। एंड मेरे को भी लिटरली भाई बुरा लग रहा है क्योंकि भाई बंदे ने, मतलब मैं तो सोचता था कि बंदा भाई मतलब अच्छा खेलता है, इसको मतलब प्रैक्टिस है, एंड ये हमेशा बोलता है कि भाई प्रैक्टिस करो तब जाके परफेक्ट बनोगे, बट ये भाई खुद हैक करके खेल रहा है भाई और ज्ञान देता है भाई, क्या बताऊँ, मतलब मेरे को बुरा लग रहा है भाई, क्या बताऊँ भाई। आप लोगों के सामने सच्चाई आ चुका है इसका, अभी आप लोग देखो भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे तो भाई हैक करके इसका सच्चाई आ गया सामने भाई। वाई द वे एक चीज़ बताऊँगा, इस जो मेरा इंट्रो है ना, इसी बंदे से मैं इंस्पायर होकर वो इंट्रो रखा था, एक्चुअली में इसी बंदे ने जो है सबसे पहले वो इंट्रो डाला था गाइस, ठीक है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड तब से मैं इसका गेम प्ले देखने लगा था गाइस, तो तब से जो है मतलब समझ जाओ भाई, मतलब मैं तो सोचता था कि भाई ये फेयर बंदा है, बट ये तो भाई हैकर निकला, क्या बताऊँ, मतलब मीना सर्वर वाले जो मैक्सिमम बंदे हैं सारे हैकर हैं। एंड इस बंदे ने ना मतलब साइब्लास हो गया, भिनसिनसो हो गया, बीएनएल हो गया, सबको 7-0, 7-1 से हराया गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब कितना गंदा मारता है, समझ रहे हो, हैकर के तो सब मरेगा भाई, क्या बताऊँ भाई, अब सच्चाई आ चुका है सामने, अब देखते हैं क्या बहाना लगाता है। वैसे मैं बताऊँ तो इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं था, बट आप लोगों के सामने मेरे को एक चीज़ तो रखना था क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो भाई मीना वाले को, हम लोगों का गेम प्ले को अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग भी मतलब अच्छे से खेलेंगे ना भाई। देखो अब मैं पीसी में शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ये मत बोलना कि भाई पीसी में शिफ्ट मत हो, ठीक है, मैं अभी अब पीसी में शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि भाई पीसी में बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को भी, एंड पीसी वाले को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है मैंने देख लिया, मोबाइल वाले को कोई सपोर्ट नहीं मिलता, मोबाइल वाले का चैनल डाउन हो जाता है, कुछ नहीं मिलता, मतलब लिटरली कोई सपोर्ट नहीं मोबाइल वाले को, जो दिन रात मेहनत करते हैं उसको कोई सपोर्ट नहीं, जो चुतिया बनाता है उसको मतलब अच्छे से सपोर्ट करते, तो लिटरली मैं सोच रहा हूँ कि पीसी में शिफ्ट हो जाऊँ और कुछ नहीं गाइस, बस आप लोगों के सामने सच्चाई लाना था, ला दिया, और कुछ नहीं है भाई। मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगा भाई, इसका गेम प्ले मैं देखता था, लाइक करता था, कॉमेंट करता था, बट अभी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि भाई बंदे स्क्रिप्ट पकड़ा गया है बंदे का, मतलब बैकग्राउंड पे रनिंग कर रहा था इसका स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट पकड़ा गया है, अब क्या कर सकते हैं भाई। मेरे को पता है इस वीडियो पे स्ट्राइक आ सकता है, बट कोई बात नहीं भाई, स्ट्राइक देना है तो दे दो, बट मेरे को बताना था भाई सच्चाई, अब क्या करूँ, मिलते गए इस अगले वीडियो में, तब देख ले भाई।